देखिए, हम हार्ट जो है पिज़्ज़ा बनाने जा रहे हैं, तो हमने ये डबल रोटी के हार्ट बना लिए। और ये थोड़े से आप ताज़ी डबल रोटी लें, तो ये हमने जो है नरम कर लिया, हमारी बासी है थोड़ी रखी हुई एक दिन की, तो हमने ये नरम कर ली है भाप में हल्की सी। देखिए एक रखी है स्टीमर में, हमने रख दिया है इसको, ये भाप में हल्की सी नरम हो जाएगी और ये आराम से मुड़ जाएगी। नहीं करना है इसको, हम जो है दो पीसों में कट कर लेते हैं कि हमने कैसे बनाया, तो ये दिखा देते हैं हम आपको। देखिए कट कर लिया, और इसे जो है हम दिल की शेप में ऐसे मोड़ देंगे। थोड़ा बहुत तो ये टूटेगा क्योंकि बासी है डबल रोटी हमारी, क्यों टाइम नहीं है, रात हो रही है। देखिए हार्ट की शेप में ऐसे मोड़ लें, और इसको जो है बरकत की तीली इसको ऐसे करके और ऐसे लगा लें आराम से, तो ये इसका ऐसा शेप बन जाएगा। ये देखिए, तो ये सब हमने ऐसे ही बना लिए हैं सारे, तो अब हम इसकी तैयारी करते हैं। इसमें ज़्यादा सामान नहीं लगाएंगे हम, तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। और रमज़ान चल रहे हैं तो आप ज़रूर ट्राई करें, जब पकौड़ियों को दिल ना करे तो आप ये बना के खाएं। तो हमने शेजवान सॉस ले ली है, और कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ी थोड़ी सी हम ये सारे हमने जो हार्ट बना रखे हैं उसी में ही हम लगा देंगे, क्योंकि इसमें सारे टेस्ट होता है हर चीज़ का, तो ज़्यादा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इन सब पे लगा लेते हैं हम ऐसे ही। एक हमने पैकेट ले लिया मोजरेला, तो ये पिज़्ज़ा चीज़ है ये मोज़रेला, तो ये अच्छी लगती है, तो इसको हम खोल लेते हैं। तो पूरा पैकेट जो है हमने खोल लिया है, बाहर निकाल लिया, तो इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। आप चाहें तो कसी भी जो आती है वो भी ले सकते हैं, तो हमारे पास ये तो मौजूद, तो हमने यही ले लिया, तो इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। आधी हमने, आधी से थोड़ी सी कम हमने कद्दूकस कर लिया, जितनी ज़रूरत होगी इतना कर लेंगे। तो अब हम इसे वापसी पैकेट में ही रख देते हैं, अभी ज़रूरत होएगी तो फिर से हम कद्दूकस कर लेंगे। तो इधर हमने ट्रे ले ली ओवन की, ओवन में बेक करेंगे। तो इसमें जो है ट्रे में हमने हल्का सा ऑयल लगा लिया है, तो अब इनको जो हमने हार्ट बनाया है ब्रेड के, उसको रख लेंगे ऐसे। बच्चे भी खुश होंगे इसका शेप देख के, और खुशी खुशी खाएंगे, और रोज़ा रखेंगे अच्छे से, कि बच्चों को रोज़ा रखवाना है तो बच्चों को नई नई चीज़ें बना के खिलाएं, तो बच्चे खुशी खुशी रोज़े रखेंगे। देखिए हमारे ट्रे में जितना आ गए, तो हमने इतने रख दिए, थोड़ा सा एक बड़ा है थोड़ा, तो इसकी वजह से इसकी सेटिंग नहीं हो पा रही है, तो हम इसे घुमा के रख देते हैं। देखिए कितना खूबसूरत सा लग रहा है ट्रे, और ये छोटे छोटे से मिनी जैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं तो ऐसे ही बनेंगे ये। तो ये शिमला मिर्च लिए, तो थोड़ी थोड़ी सी हम ये डाल देंगे सब पे ही, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से साइज़ है, तो ज़रा ज़रा सी ही डलेगी। आप चाहें तो पूरा पीस लेके आप उसका भी बना सकते हैं, तिकोने साइज़ का बना लें, आपकी मर्ज़ी, आप जैसा शेप देना चाहें आप वैसा बना सकते हैं। तो हमने ये जो है टमाटर लिए हैं, आप चाहें तो कैप्सिकम तीनों कलर की भी ले सकते हैं, तो हमारे पास ग्रीन कलर की थी और कौन थे, हमने ये ले लिया। टमाटर ले लिया, इसका बीज निकाल दिया हमने, और ये हमने ऐसे कट कर लिए महीन महीन, तो थोड़े थोड़े टमाटर थोड़े से कौन ऐसे डाल देंगे, दो दो चार चार पीस। तो ऐसे ही हम इसमें कौन भी डाल देंगे, देखिए ऐसे ही डाल देंगे बस, सारे हम ऐसे ही सजा लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। हमारे पास पिज़्ज़ा सीज़लिंग है, तो ये डाल देंगे हम थोड़ी थोड़ी सी, सबके जो हमने चीज़ रख दिए, ये देखिए थोड़ी थोड़ी सी कितना खूबसूरत से लग रहा है, बहुत ही प्यारा सा पिज़्ज़ा हमारा बन के तैयार हो जाएगा। तो ज़रा ज़रा सा ये डाल देते हैं, इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो इसमें 5 से 6 तरह का मिक्स है, तो पिज़्ज़ा में जो है यही डलता है, तो इससे खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो थोड़ा थोड़ा सा डाल देते हैं, और अवन हमने गरम कर लिया, प्रीहीट कर लिया है। अवन हमने गरम कर लिया, प्रीहीट कर लिया है, तो ये हम 5 से 6 मिनट के लिए इसको रख देते हैं ट्रे को, 5 से 6 मिनट के बाद दिखाते हैं आपको। ये देखिए 5 से 6 मिनट हो गए, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं बाहर। बहुत ही बढ़िया से सीखे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए बच्चे कैसे खुश नहीं होंगे, बड़े भी खुश होंगे देख के।
बहुत ही बेहतरीन से सीख के तैयार हूँ एकदम। तो थोड़े से ये ठंडे हो जाएं, ये देखिए बहुत ही बढ़िया से। तो प्लेट ले आते हैं, प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए हार्ट पिज़्ज़ा हमारा बनके तैयार हो गया, रेडी एकदम खाने के लिए। तो ये गरम गरम ऐसे ही अच्छे लगते हैं। मैंने सेट कर देते हैं प्लेट में सबको। ये हमारे मिनी पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल तैयार हो गए, रेडी एकदम खाने के लिए। अच्छा, आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए। हम फिर मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।